नमस्कार जयतु भारत जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने इंस्ट्रक्शन नंबर 2 ऑफ 2022 जीएसटी दिनांक 22 मार्च 2022 जारी किया है जिसमें वर्ष 2017-18 और 18-19 के

टैक्स पेयर ने रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल किए हैं और दूसरी उससे रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज कर सकता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न रिटर्न कि क्या उसने जो फाइल किया है वह सही तरीके से फाइल किया है उसमें जो डिटेल्स दी हैं वह सही हैं एंड इनफॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिप इज नोटिस्ड इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एक्सप्लेनेशन देयर टू और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती है तो उसके बारे में टैक्सपेयर को जानकारी दे और उनका स्पष्टीकरण उस पर मांगे सेक्शन टू यह दर्शाता है इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल यदि टैक्सपेयर ने जो भी स्पष्टीकरण दिया है वह प्रॉपर को संतोषपूर्ण लगता है तो उस केस में उसकी जानकारी टैक्सपेयर को दे दी जाएगी और आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी सब सेक्शन 3 के अनुसार इन केस नो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज यदि 30 दिन के समय अवधि में कोई भी संतोषपूर्वक का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है या यदि वो डिस्क्रिपेंसी को विसंगति को टैक्स पेयर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमसे ये कुछ त्रुटि हुई है लेकिन उसके बाद उसका कोई करेक्टिव मेजर नहीं लेता है यानी कुछ टैक्स कम भरा है तो टैक्स नहीं भर रहा है या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले ली है वह एग्री करते हैं लेकिन फिर भी उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट सरकार में जमा नहीं करवा रहे हैं तो फिर प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 65, 66, 67, 73 और 74 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं अर्थात ऑडिट इन्वेस्टिगेशन या सोकोज नोटिस देने की कार्यवाही कर सकते हैं यह प्रोविजन सेक्शन 61 के 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 अंतर्गत दिया हुआ है। CGST Rules 2017 के Rule 99 में स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न करने की प्रोसीजर दर्शाई हुई है इसके सब रूल वन में यह दर्शाया है वेर एनी रिटर्न फर्निश्ड बाई रजिस्टर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटिनी यदि कोई भी रिटर्न स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो

फॉर्म जीएसटी ए एस एम टी टेन यह मुझे लगता है असेसमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एस एम टी और उसका जो टेन नंबर का रिटर्न है ए एस एम टी टेन उसके अंदर उस विसंगति को टैक्स पेयर को बताया जाएगा इनफॉर्मिंग हिम ऑफ सच डिस्क्रिपेंसी एंड सीकिंग हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू विद इन सच टाइम नॉट एक्सीडिंग थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाई हिम एस एम टी टेन के अंदर उसे विसंगति बताई जाएगी और उनका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तीस दिन का समय अवधि दिया जाएगा या और भी यदि समय बढ़ाया जाए तो वेयर पॉसिबल क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेएबल इन रिलेशन टू सच डिस्क्रिपेंसी और इस प्रकार का जो ए एस एम टी टेन फॉर्म है उसमें जहां तक संभव हो वो डिस्क्रिपेंसी के कारण टैक्स की अमाउंट उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है और, और भी कोई अमाउंट है उसकी भी जानकारी टैक्स पेयर को दी जाएगी उस विसंगति को मान लेता है तब तो वह उस टैक्स को इंटरेस्ट को या अन्य कोई भी रकम है वह भर के और प्रॉपर ऑफिसर को जानकारी दे देगा या यदि वह टैक्स पेयर इस फॉर्म ए एस टी एम ए एस एम टी टेन के अंदर जो बताई गई जानकारी है उससे एग्री नहीं करते हैं तो वह अपना स्पष्टीकरण देंगे कि यह विसंगति या यह डिस्क्रिपेंसी जो प्रॉपर ऑफिसर को लग रही है उसके क्या कारण है और वह क्यों गलत नहीं है लेकिन वह सही ही है तो उसकी जानकारी वह फॉर्म जीएसटी एस एम टी इलेवन के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को दे देंगे वेर द एक्सप्लेन फर्निस्ड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन और इन्फॉर्मेशन सबमिटेड प्रॉपर ऑफिसर को एक्सेप्टेबल लगता है कि सही स्पष्टीकरण है तो प्रॉपर ऑफिसर सेल इन्फॉर्म हिम अकॉर्डिंगली ट्वेल्व उस समय वह प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म जीएसटी एस एम टी ट्वेल्व के अंदर टैक्स पेयर को जानकारी दे देगा कि आपका जो स्पष्टीकरण दिया है वह एक्सेप्टेबल है और अब यह स्क्रूटनी की प्रोसीडिंग्स बंद की जाती है यह इंस्ट्रक्शन नंबर टू ऑफ 2022 जीएसटी दिनांक 22 मार्च दो हजार बाईस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जीएसटी पॉलिसी विंग ने जारी की है तो यह जो इंस्ट्रक्शन है यह सीजीएसटी के अधिकारियों को फॉलो करना है स्टेट जीएसटी के अधिकारी यह इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है स्टेट में किस तरह से स्क्रूटिनी करना उसके लिए रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी के अधिकारी अलग से एसओपी जारी कर सकते हैं उसमें इसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं या इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं यह जो एसओपी है यह हाल फिलहाल केवल फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 उनके रिटर्न्स की स्क्रूटिनी से रिलेटेड ही है इसके बाद में जो रिटर्न स्क्रूटिनी करनी है उनके लिए अलग से कुछ एसओपी जारी की जा सकती है इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है यहां पर शुरुआत में सेक्शन 61 और 99 रूल उन दोनों के बारे में बताया है टिल द टाइम अ स्क्रूटिनी मॉड्यूल फॉर ऑनलाइन स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न इज मेड अवेलेबल ऑन द सीबीआईसी जीएसटी एप्लीकेशन एज एन इंटरिम मेजर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज बींग इशूड बाई द बोर्ड अर्थात जो स्क्रूटिनी करनी है उसके लिए एक स्क्रूटिनी मॉड्यूल डेवलप किया जा रहा है जिसमें ऑनलाइन स्क्रूटिनी रिटर्न की हो सके तो जब तक यह नहीं हो पाएगा तब तक एक इंटरिम मेज़र के रूप में एक अंतरिम अंतरिम एक व्यवस्था के अनुसार यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की गई है इसमें शुरुआत में तो जो सेक्शन 61 है और वह रूल इनके बारे में बताया गया है जिनके बारे में हम पहले ही जानकारी ले चुके हैं द अफर मैंजन सजेस्ट दैट स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न इंटर एलिया एंटे द फॉलोइंग ये जो सेक्शन 61 और रूल 99 है उसके आधार पर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न से रिलेटेड क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर स्क्रूटिनी प्रीफरेबली बेस्ड ऑन रॉबर्ट रिस्क पैरामीटर्स जो भी स्क्रूटिनी करने के लिए रिटर्न्स को सिलेक्ट किया जाए वह रिस्क पैरामीटर के आधार पर सिलेक्ट हो कौन से रिटर्न को सिलेक्ट करना कौन से रिटर्न को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि सभी रिटर्न्स को एक साथ सिलेक्ट करके स्क्रूटिनी नहीं की जा सकती इसलिए कौन से रिटर्न को सिलेक्ट करना उसका आधार रिस्क पैरामीटर्स पर होगा रिस्क पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं वह एक अलग इश्यू है लेकिन रिस्क पैरामीटर्स के बेस पर स्क्रूटिनी की जाए स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्निश्ड बाई द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न जो भी रिटर्न फाइल किया है और अन्य फर्निश किए हैं उनके बेस पर रिटर्न की स्क्रूटनी करनी है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द प्रॉपर ऑफिसर इन वेरियस रिटर्न एंड स्टेटमेंट फर्निश्ड बायिस्टर्ड पर्सन एंड द डेटा पब्लिक डिटेल्स मेड अवेलेबल थ्रू वेरियस सोर्सिस लाइक डी जी ए आर एम अद्वैत जी एस टी एन ई वे बिल पोर्टल मे बी रिलाईड अपॉन फॉर पर्पज ये जो डिटेल्स हैं डी जी ए आर एम अद्वैत ये डिपार्टमेंट का इंटरनल एनालिसिस से जनरेटेड रिपोर्ट हैं जीएसटी नेटवर्क के अंदर भी कई रिपोर्ट्स जनरेट होती है जैसे आपके सप्लायर ने कौन कौन से इन्वॉइस आपको जारी किए हैं ई वे बिल पोर्टल आपने ई वे बिल पर कितने ई वे बिल की डिटेल जब, जमा की है सबमिट की है और आपको कितना सामने से सप्लाई आया है इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन है उनके बेस पर स्क्रूटिनी की जा सकती है इन्फॉर्मिंग द रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ द डिस्क्रिपेंसी नोटिस्ट अलॉन्ग विथ क्वान्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट पेएबल एंड सीकिंग हिज एक्सप्लेनेशन जो भी डिस्क्रिपेंसी या विसंगति पाई जाती है उसके बारे में उन्हें जानकारी देना टैक्स पेयर को और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करना वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी एंड पेज द टैक्स इंटरेस्टेड एनी अदर अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम सच डिस्क्रिपेंसी और वेयर द एक्सप्लेनेशन फर्निड बाई द रजिस्टर पर्सन इज फाउंड एक्सेप्टेबल कंक्लूड द प्रोसिडिंग आफ्टर इन्फॉर्मिंग द रजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है टैक्स पेयर के द्वारा वह एक्सेप्टेबल है वह संतोषप्रद है तो उस प्रोसीडिंग को खत्म करना कंक्लूड करना और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में जानकारी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देना कि आपका जो स्क्रूटिनी स्टार्ट किया गया था वह स्क्रूटिनी अब समाप्त कर दिया गया कंक्लूड कर दिया गया वेयर नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी फेल्स टू पे द टैक्स इंटरेस्ट एंड एनी अदर अमाउंट अराइजिंग फ्रॉम सच डिस्क्रिपेंसी इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी सेक्शन 65, 66, 67, 73 और 74 की जो प्रोसीडिंग्स है जैसा बताया ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन सोकोज नोटिस देना वह प्रोसीडिंग कर सकते हैं यदि या तो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया ना गया हो या एक्सप्लेनेशन दिया ही ना गया हो सिलेक्शन ऑफ रिटर्न फॉर स्क्रूटिनी जो स्क्रूटिनी करने के लिए रिटर्न सिलेक्ट करने हैं वह कौन करेगा तो इसके लिए यह बताया गया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट डी उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे उन रिटर्न्स को सिलेक्ट करें जो सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी के पास जो जी एस टी आई एन रजिस्टर्ड है अर्थात सी जी एस टी के जुरिस्टिक्शन में जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं के रिटर्न सिलेक्ट करके बताना है ना कि स्टेट जी एस टी के पास जो टैक्स पेयर हैं उनको और उनकी जानकारी फील्ड फॉर्मेशन को देनी है डी जी ए आर एम जब इन रिटर्न को सिलेक्ट करेंगे तब उसमें कुछ रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे और वह जो रिस्क पैरामीटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसके आधार पर कितना रेवेन्यू इन्वॉल्व हो सकता है उसकी भी एक कुछ जानकारी वे देंगे हालांकि यह जानकारी बाद में चेंज हो सकती है क्योंकि जब यह रिपोर्ट जनरेटेड होती है उस समय अलग डिटेल्स हो सकती है और उसके बाद में जब रिटर्न की स्क्रूटिनी हो उस समय तक पोजिशन चेंज हो चुकी हो सकती है प्रॉपर ऑफिसर फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न जो रिटर्न स्क्रूटिनी करनी है उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स है अर्थात जो रेंज ऑफिसर है सुपरिनटेंडेंट उन्हें ही यह रिटर्न स्क्रूटिनी करना है स्क्रूटिनी शेड्यूल एक बार जो लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर डी जी फील्ड फॉर्मेशन को दे देता है तो उसके बाद में जो फील्ड फॉर्मेशन है अर्थात जो सुपरिटेंडेंट है प्रॉपर ऑफिसर वे अपने डिविजनल असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर की परमिशन उनकी अप्रूवल के बाद में स्क्रूटिनी शेड्यूल फाइनलाइज करेंगे जब स्क्रूटिनी शेड्यूल फ़ाइनलाइज कर रहे हों तब उस समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि जो ज़्यादा रिस्की टैक्स पेयर है जो रिपोर्ट आई है डी जी के बेस पर जहाँ पर रेवेन्यू एम्प्लीकेशन ज़्यादा बताई है उन्हें पहले सिलेक्ट किया जाएगा और जहाँ रेवेन्यू एम्प्लीकेशन कम है उन्हें बाद में सिलेक्ट किया जाएगा और यह पूरा जो शेड्यूल है वह एनएक्शन ए के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इन्फॉर्म किया जाएगा जब प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न को सिलेक्ट करते हैं स्क्रूटनी के लिए तो उसका क्या अर्थ है तो उसका अर्थ यह है कि ऑल रिटर्न पर्टेनिंग टू ए फाइनेंशियल ईयर फॉर विच द सेट जीएसटी आई बीन आइडेंटिफाइड फॉर स्क्रूटनी अर्थात यदि 17-18 के लिए किसी टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया गया है स्क्रूटनी के लिए तो 17-18 पूरे फाइनेंशियल ईयर क्योंकि 17-18 में तो एक जुलाई से लागू हुआ था तो एक जुलाई से लेकर 31 मार्च तक के सारे रिटर्न्स जी से रिलेटेड उनका एनुअल रिटर्न जो भी है वह सारे रिटर्न इसके अंदर उनको सिलेक्ट कर कर लेने हैं और उनका स्क्रूटनी करना है अर्थात पूरे फाइनेंशियल ईयर की स्क्रूटनी एक साथ में हो जानी है यह एनएक्शर ए है जिसमें स्क्रूटिनी शेड्यूल डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी को बताना है यह काम डिपार्टमेंट का है इसको टैक्स पेयर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है लेकिन यहाँ पर जेड सी कोड जोनल सी कोड जो है वह बताना है फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जी आएन, कौन सा टैक्स पेयर उसे पहले स्क्रूटिनी में दिया जाएगा और मंथ इन विच फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन इज प्रपोज टू बी इश्यूड कौन से महीने में फॉर्म ए एस एम टी टेन इश्यू करने का अंदाजा है यह यहाँ पर दर्शा के इस प्रकार से यह स्क्रूटिनी शेड्यूल की जानकारी इंटरनली डिपार्टमेंट डी जी जी एस टी को देगा प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी बाई द प्रॉपर ऑफिसर जो स्क्रूटिनी करनी है उसकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया है कि जो भी पर्टिकुलर्स रजिस्टर्ड पर्सन ने सबमिट किए हैं उन पर्टिकुलर्स को ध्यान में लिया जाएगा उसके अलावा प्रॉपर ऑफिसर के पास में अलग अलग सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं जैसे डी से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जहाँ पर वह कौन से यूनिट को कौन से टैक्स पेयर को सिलेक्ट करना है उसकी जानकारी देते समय भी कई इन्फॉर्मेशन आएगी कि क्यों इस टैक्स पेयर को सिलेक्ट किया है क्या डिस्क्रिपेंसी है उसका रेवेन्यू इम्प्लीमिकेशन क्या है अद्वैत के द्वारा यह भी एक सॉफ्टवेयर है डिपार्टमेंट के पास जिसके द्वारा कुछ जानकारी आ सकती है जी नेटवर्क पर कुछ जानकारी उपलब्ध हो सकती है ई वे बिल पोर्टाल के ऊपर जानकारी उपलब्ध हो सकती है इन सभी जानकारियों के आधार पर प्रॉपर ऑफिसर रिटर्न स्क्रूटिनाइज़ कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर एंड इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या क्या चीज़ें प्रॉपर ऑफिसर को वेरीफाई करनी है उसकी जानकारी एनेक्शर बी में दी हुई है यह भी हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें प्रॉपर ऑफिसर चेक कर सकता है लेकिन यह जो लिस्ट है यह एग्जॉस्टिव नहीं है कंप्लीट नहीं है इसके अलावा भी कई चीज़ें हो सकती है जो प्रॉपर ऑफिसर के ध्यान में आए वह उनकी भी स्क्रूटिनी कर सकता है उन्हें भी चेक कर सकता है द प्रॉपर ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू रिलाई अपॉन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम और विथ द डिपार्टमेंट यह जब शुरुआत में स्क्रूटिनी करनी है वहाँ तक प्रॉपर ऑफिसर को उसके पास या डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन है उसी पर रिलाई करना उसी के आधार पर स्क्रूटिनी करनी है एज़ फार एज पॉसिबल स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न शुड हैव मिनिमम इंटरफेस बिटवीन द प्रॉपर ऑफिसर एंड द रजिस्टर्ड पर्सन एंड देयर शुड नॉर्मली नॉट बी एनी नीड फॉर सीकिंग डॉक्यूमेंट्स रेकॉर्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर बिफोर इशुंस ऑफ फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन अब यहाँ पर यह जो बताया है कि एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव हो रिटर्न की स्क्रूटनी करते समय ज एस एम टी टेन का फॉर्म जो इश्यू करने से पहले ना तो टैक्स पेयर से कोई भी इंटरफेस होना चाहिए अर्था अर्थात आमना सामना होने की कोई भी नौबत नहीं आनी चाहिए एंड देयर शुड नॉर्मली नॉट बी एनी नेड फॉर सीकिंग डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड फ्रॉम द टैक्स पेयर और सामान्यतः कोई भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स टैक्स पेयर के पास से नहीं मांगना चाहिए फॉर्म ए एस एम टी टेन जारी करने से पहले मुझे लगता है यहाँ पर यह जो एज़ फार एज पॉसिबल और यह नॉर्मली नॉट बी एनी ये वर्ड यूज़ करके थोड़ा सा स्कोप दे दिया है कि फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन जारी करने से पहले भी कभी कभी मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट हालाँकि रूल में इसकी परमिशन नहीं है हम रूल को भी एक बार फिर से देख लेते हैं सेक्शन सिक्सटी वन का द रजिस्टर्ड पर्सन जो भी रिटर्न में और अन्य रिलेटेड बेस पर रिटर्न कर सकते हैं ऐसा सेक्शन 61 के सब सेक्शन वन में दर्शा है यहां पर कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स मांगने की बात नहीं की गई है इसी प्रकार से जो रूल 99 है

कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं फॉर्म जीएसटी एस एम टी टेन जारी करने से पहले तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जो एसओपी के अंदर वर्ड यूज किए गए हैं कि एज फार एज पॉसिबल टैक्स पेयर के साथ इंटरफेस नहीं होना चाहिए और नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म जीएसटी ए एस एम टी टेन से पहले नहीं मांगने चाहिए तो इन वर्ड्स को ही लिखने की आवश्यकता नहीं थी एकदम स्पष्टतः लिखना चाहिए था कि फॉर्म जीएसटी एस एम टी टेन जारी करने से पहले कोई भी इंटरफेस टैक्स पेयर के साथ नहीं होगा और उससे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट टैक्स पेयर से नहीं मांगना है जब भी डिस्क्रिपेंसी कुछ मिले तब प्रॉपर ऑफिसर फॉर्म जीएसटी ए एस एम टी टेन के अंदर जानकारी दे सकता है उसमें जो भी टैक्स की अमाउंट इंटरेस्ट और अदर अमाउंट बता सकता है यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी डिस्क्रिपेंसी बताई जाती है वह स्पेसिफिक होनी चाहिए बहुत जनरल या वेग टर्म में नहीं होनी चाहिए क्या डिस्क्रिपेंसी है वह अच्छे से बताई हुई होगी तभी टैक्सपेयर उसका अच्छे से संतोषप्रद आंसर दे पाएगा जहाँ पर पुराने रिटर्न में कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है लेकिन हो सकता है कि पेयर ने स्वतः ही उस डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई कर दिया हो और बाद में फॉर्म जी एस टी डी से पेमेंट कर दिया हो तो डिस्क्रिपेंसी बताते समय फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन बताते समय यह फॉर्म जी एस टी डी आर सी जीरो थ्री से जो पेमेंट किया है उसे भी ध्यान में लेना चाहिए फॉर ईच जी एस टी आई आई जी एस टी आई एन आइडेंटिफाइड फॉर स्क्रूटनी फॉर अ फाइनेंशियल ईयर द प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू स्क्रूटिनाइज ऑल द रिटर्न पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिटर्न को स्क्रूटनी करनी है और उस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन की नोटिस इश्यू करनी है हर महीने के महीने अलग अलग नोटिस जारी नहीं करनी है पूरे फाइनेंशियल ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर का स्क्रूटनी एक साथ करना है रजिस्टर्ड पर्सन या तो उन डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है और फॉर्म जी एस टी डी आर सी थ्री के अंतर्गत पेमेंट करके उसकी जानकारी प्रॉपर ऑफिसर को दे सकता है या वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं फॉर्म जी एस टी एस एम टी इलेवन में क्योंकि यह विसंगति क्यों है और उसका क्या क्या रीज़न है जहां पर एक्सप्लेनेशन फर्निश किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने वह एक्सेप्टेबल हो तो उसको फॉर्म जी एस टी एस एम टी ट्वेल्व के अंदर टैक्स पेयर को यह जानकारी दे दी जाएगी कि आपके सामने जो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की थी वह कंक्लूड हो जाएगी जब टैक्स पेयर सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर या तो उसके पास पर्याप्त जानकारी है तो वह डायरेक्टली सेक्शन 73 या सेक्शन 74 की नोटिस सोकोज नोटिस जारी कर सकता है और वह सोकोज नोटिस जारी करने के लिए मॉनिटरी लिमिट्स दर्शाई हुई है उसके अनुसार यदि वह सुप्रिंटेंडेंट के पावर की है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर के पावर की है या जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के पावर की है उसके हिसाब से वह सोकोज नोटिस जारी कर दी जाएगी लेकिन यदि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि डिस्क्रिपेंसी तो है लेकिन सोकोज नोटिस जारी करने जितना पर्याप्त सबूत या पर्याप्त डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और टैक्स पेयर जानकारी भी नहीं दे रहा है तो उस केस में वह ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन के लिए रेकमेंड कर सकता है और जो प्रिंसिपल कमिश्नर हैं वह यह नक्की कर सकते हैं कि इस केस में ऑडिट करवाना है या एंटी वेजन विंग कमिश्नरेट की है उसके द्वारा केस बुक करवा के इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर आगे कार्रवाई करनी है स्क्रूटिनी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए प्रॉपर ऑफिसर को उसकी एक इंडिकेटिव लिस्ट दी है टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड एंड एग्जम्पटेड और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड ये जो जी एस टी आर थ्री बी के टेबल थ्री पॉइंट वन ए और थ्री पॉइंट वन बी में दर्शाए गए डिटेल्स हैं उनको जी एस टी आर वन के जो अलग अलग टेबल हैं जिनमें यह इन्फॉर्मेशन दी जाती है टेबल फोर फाइव सिक्स सेवन ए सेवन बी वन टेबल इलेवन ए और इलेवन बी और इसके साथ साथ में टेबल नाइन टेन इलेवन टू के अंदर जो भी अमेंडमेंट किया गया है उनको ध्यान में रखते हुए ये जी एस की फिगर्स को जी एस की फिगर से चेक करना चाहिए इसमें यदि कोई एडवांस पेमेंट पर टैक्स भर दिया है तो उसको भी ध्यान में लेना चाहिए इस प्रकार का यहाँ पर दर्शाया गया टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाइज लाइबल टू रिवर्स चार्ज एज डिक्लेयर इन टेबल 3.1 पॉइंट वन डी ऑफ फॉर्म जी एस जो रिवर्स चार्ज के लिए इनवर्ड सप्लाइज बताया गया है उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए तो एक तो जो रिवर्स चार्ज पर टैक्स भरा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है और वह टेबल 4A2 और 4A3 GSTR 3B में दर्शाया गया है उससे उसको मैच करना चाहिए कि वे दोनों समान हैं या नहीं ITC टी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज़ अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज अवेलेबल इन टेबल थ्री एंड टेबल फाइव ऑफ फॉर्म जी एस टी आर टू ए जो हमारे सप्लायर हैं उन्होंने जो सप्लाई की है और उसमें उन्होंने बताया है कि वह सप्लायर स्वयं उस पर टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि यह रिवर्स चार्ज के अंडर में है तो वह जो फिगर जी एस ए में दर्शाई है उसे हमारे जो टैक्स पेयर है जिसकी स्क्रूटनी की जाती है उसके आर के की फ़िगर से चेक करना चाहिए वह कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई टैक्स पेयर जो अनरजिस्टर्ड हैं उनसे भी सप्लाई लेते हैं और उस पर भी रिवर्स चार्ज भरना होता है प्लस जो फॉरेन से विदेशों से सर्विस आयात की जाती है उस पर भी रिवर्स चार्ज भरना होता है तो वह फिगर तो फॉर्म जी एस टू में दर्शाई हुई फिगर से ज़्यादा ही होनी चाहिए उससे कम यदि है तो वह इंडिकेट करता है कि जो रिवर्स चार्ज भरा गया है वह प्रॉपर नहीं भरा गया है इसके अलावा यह भी देखना है कि जो रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना होता है वह कैश में ही पेमेंट करना होता है तो जो रिवर्स चार्ज के लिए जो फिगर बताई गई है कम से कम उतना पेमेंट यदि कैश में नहीं किया गया है तो उससे यह इंडिकेट हो सकता है कि रिवर्स चार्ज भरने के लिए भी गलती से इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर ली है आई टी सी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आई एस डी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे चेक करने के लिए जो फॉर्म जी एस टी आर टू ए है उसका टेबल सेवन देख लेना चाहिए उसके साथ में जो भी अमेंडमेंट है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए आई टी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर आई टी सी जो फॉर्म जी एस टी आर थ्री बी का टेबल फोर ए फाइव है उसे वेरीफाई हमारे फॉर्म जी एस टी आर टू ए के जो अन्य टेबल्स हैं जहाँ पर सप्लायर ने पेमेंट किया है उसके बेसिस पर इसे चेक किया जा सकता है जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज हैं अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड एंड एग्जम्प्टेड जिसे टेबल थ्री पॉइंट वन ए में दर्शाया गया है उस सप्लाई की फिगर टी और टी की जो क्रेडिट की फिगर बताई गई है फॉर्म जी एस टू ए उनके साथ में मैच करके देखी जा सकती है कि कहीं गवर्नमेंट को जो सप्लाई किया है जिसके बेस पर टी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने काटा है या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स किया गया है उसमें जो सप्लाई बताया गया है क्या कहीं उससे कम तो फिगर नहीं बताई गई है जो लायबिलिटी जी एस बी के टेबल 3.1 ए और 3.1 बी में बताई गई है उसे इस टैक्स पेयर के द्वारा जो ई वे बिल जारी किए गए हैं उनसे भी मैच किया जा सकता है कई केसेस में ई वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होती तो जो ई वे बिल की डिटेल्स है कम से कम उतना तो आउटवर्ड सप्लाइज टेबल 3.1 ए और 3.1 बी में होना ही चाहिए उससे ज़्यादा हो सकता है उससे कम नहीं होना चाहिए क्लेम ऑफ़ आई टी सी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम टैक्स पेयर हु रजिस्ट्रेशन हैव बीन कैंसल रिट्रोस्पेक्टिवली यदि रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया गया है तो उनका आई टी सी इस टैक्स पेयर ने नहीं लिया होना चाहिए इन एलिजिबल आई टी सी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसिस डेबिट नोट्स इश्यूड बाय द सप्लायर्स हु हैव नॉट फाइल्ड देयर जी एस टी आर थ्री बी रिटर्न फॉर द रिलेवन टैक्स पीरियड यदि सप्लायर ने फॉर्म जी एस टी आर थ्री बी नहीं भरा है तो उससे रिलेटेड जो इनवाइस है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी और इसके लिए जो नो का एक स्टेटस दर्शाया जाता है कि सामने वाले सप्लायर ने रिटर्न भरा है कि नहीं भरा है तो फॉर्म जी एस ए में जो भी डिटेल्स आती है उसमें जी एस भी फाइलिंग का स्टेटस नो है तो यदि वह नो है तो उसके बेस पर यह कह सकते हैं कि सामने वाले सप्लायर ने फॉर्म जी एस नहीं भरा है इसके कारण से टैक्स नहीं भरा है तो जो सेक्शन 16 है उसकी कंडीशन है कि सप्लायर ने टैक्स भरा होना चाहिए वह कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती तो उतनी आईटीसी टी डिनाई करने के लिए प्रोसीजर इनिशिएट डिपार्टमेंट कर सकता है हालांकि यह जो मुद्दा है यह थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है इसमें अलग अलग कोर्ट्स के अंदर केसेस भी चल रहे हैं वैट के पीरियड में वैट के समय में इसमें टैक्स पेयर की फेवरेबल डिसीजन भी थे उसके बाद में जो सेक्शन 164 फोर के अंदर दर्शाई गई समयावधि है पहले सितंबर का रिटर्न नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर का रिटर्न फाइल करना हो उसकी ड्यू डेट तक ही पिछले फाइनेंशियल ईयर की इनपुट टैक्स क्रेडिट ली जा सकती थी तो कहीं उसके बाद में तो क्रेडिट नहीं ली है तो इस प्रकार की यह डिटेल है यह इंडिकेटिव लिस्ट बताई गई है कि जो नॉर्मली प्रॉपर ऑफिसर देखेंगे इस इंडिकेटिव लिस्ट के आधार पर टैक्स पेयर स्वयं भी अपने रिटर्न को चेक करें कि कहीं ऐसी कोई गलती उनके रिटर्न में तो नहीं है जिसके बेस पर स्क्रूटिनी के अंदर उनका रिटर्न आ सकता है और उनके पास स्क्रूटिनी की नोटिस आ सकती है या डिस्क्रिपेंसी की नोटिस आ सकती है यदि फॉर्म जी एस के टेबल फोर ए वन में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आई अवेल की है तो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन आइस गेट पोर्टल से किया जा सकता है कुछ केसेस में जी के रूल 42 और 43 के अंतर्गत टैक्स पेयर को इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी होती है तो वह प्रॉपरली रिवर्स की है कि नहीं की है उसको भी चेक करना चाहिए यदि टैक्स पेयर ने रिटर्न देरी से भरा है टैक्स देरी से भरा है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट प्रॉपरली पे किया है कि नहीं किया है सेक्शन 50 के तहत वह देखकर इंटरेस्ट भरवाने के लिए भी प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर को कह सकता है इसी प्रकार से यदि रिटर्न डिलेड फाइल किया है देरी से रिटर्न फाइल किया है तो सेक्शन 47 के अंतर्गत उसकी लेट फी भी भरना आवश्यक है शुरुआत के जीएसटी लागू होने के शुरुआत के कुछ महीनों के लिए लेट फी वेव कर दी गई थी लेकिन बाद में लेट फी लगती है तो वह लेट फी यदि नहीं पे की गई हो तो उसे भी प्रॉपर टैक्स प्रॉपर ऑफिसर टैक्स पेयर से लेट फी भी भरवा सकता है ये इंस्ट्रक्शन नंबर टू ऑफ टू थाउजेंड में स्क्रूटनी के लिए टाइम भी दी है इसमें से ये जो टाइमलाइंस है ज़्यादातर डिपार्टमेंटल ऑफिसर के लिए आवश्यक है टैक्स पेयर के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि जो रिप्लाई देना है वह हमें जब एक बार फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन मिल गया तो उसके विदिन थर्टी डेज प्रॉपर ऑफिसर को रिप्लाई दे देना है कि क्या उस डिस्क्रिपेंसी से एग्री करते हैं यदि एग्री करते हैं तो उसका पेमेंट हमको कर देना यदि एग्री नहीं करते तो किस कारण से एग्री नहीं करते और वो जो डिस्क्रिपेंसी है उनका पूरी तरह से संतोष कार्य उसका रिप्लाई देना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में ताकि वहीं पर वह स्क्रूटिनी की प्रोसीडिंग कंक्लूड हो जाए और वह आगे सोकोज नोटिस में या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में तब्दील ना हो तो यहाँ पर एक बार यदि फॉर्म जी एस टी एस एम टी टेन प्रॉपर ऑफिसर जारी कर देता है तो टैक्स पेयर को बिना समय गंवाएँ शीघ्रतातिशीघ्र वो जो डिस्क्रिपेंसी है उनका क्या कारण है उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करके और यदि वह डिस्क्रिपेंसी का आंसर दे सकते हैं सेटिसफेक्ट्रीली तो फॉर्म जी एस टी एस एम टी इलेवन के अंदर उसका डिटेल में रिप्लाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में दे देना चाहिए रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग यह भी जो एन एक्स एर सी और एनएक्सर डी इसमें जो बताया हुआ है कि किस प्रकार से रजिस्टर मेंटेन करना है किस प्रकार से रिपोर्टिंग करना है यह भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए है और टैक्स पेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है तो यह जीएसटी के अंदर स्क्रूटिनी से रिलेटेड यह एस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है उसमें पॉजिटिव चीज़ यह है कि प्रॉपर ऑफिसर हर किसी टैक्स पेयर का स्क्रूटिनी नहीं कर सकता लेकिन उसके पास जो लिस्ट आई है डिटेल्स आई है डी के द्वारा उन्हीं टैक्स पेयर का स्क्रूटिनी करना है स्क्रूटिनी में यदि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती तो डिस्क्रिपेंसी न मिलने पर टैक्सपेयर से कोई जानकारी नहीं मांगनी है टैक्स पेयर से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करना है टैक्सपेयर से कोई डिटेल्स नहीं लेना है यदि कुछ डिस्क्रिपेंसी प्राप्त होती है कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलती है तभी फॉर्म ए एस एम टी टेन जारी करके उनका एक्सप्लेनेशन लेना है तो मुझे लगता है यह सर्क्यूलर एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है और टैक्स पेयर को भी यदि उन्होंने सही तरीके से रिटर्न फाइल किए हैं तो उन्हें यदि डिस्क्रिपेंसी के लिए नोटिस भी आती है डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसका रिप्लाई देने का मौका भी मिलेगा और उसके बारे में भी जानकारी दी है क्या क्या इंडिकेटिव लिस्ट है वह टैक्स पेयर स्वयं भी चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से पहले से भी तैयारी कर सकते हैं कि कहीं उनसे गलती हुई हो तो उस गलती को सुधार लें आज के अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं जय हिंद